आइए चलें जीडी ग्लोबल स्कूल की ओर। पढ़ेगा बच्चा, बढ़ेगा बच्चा, तरक्की करेगा। आजमगढ़ जीडी ग्लोबल स्कूल करतालपुर बाईपास आजमगढ़, सेवा करने का अवसर जरूर दें, बच्चों का भविष्य संवर जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। फतेहपुर में योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने इलाहाबाद झांसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं को संबोधित किया। उन्होंने योगी और मोदी सरकार के काम की सराहना करते हुए कहा कि दोनों ही सरकारें सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास पर काम कर रही हैं। साथ ही स्वतंत्र देव सिंह ने स्वामी प्रसाद मौर्य के साधु संतों की तुलना आतंकवादी से करने वाले बयान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैं प्रभु से कामना करता हूं कि उनको सद्बुद्धि दें। साथ ही उन्होंने कहा कि उनको और अध्ययन करना चाहिए। स्वतंत्र देव सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने समाजवादी पार्टी की सरकार और बसपा शासन काल में आतंकवादी घटनाओं पर भी निशाना साधा। उन्हें कहा कि पहले धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जाता था। उन्हें कहा कि जातिवाद, क्षेत्रवाद और भ्रष्टाचार की राजनीति करने वालों का कोई दल नहीं होता, सबको मोदी जी से सबक लेना चाहिए। उन्होंने करीब 3 करोड़ से ऊपर लोगों को लखपति बना दिया है। न्यूज 9 भारत के लिए मोहित शर्मा के साथ जावेद अहमद की रिपोर्ट। बहुत अच्छी तैयारी लोगों की है। पंडित जी, बात अगर सम्मान की हो रही तो लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान सामने आ रहे हैं। आज उन्होंने कहा है कि जो संत और संतों की और साधुओं की तुलना आतंकवादी से की है उन्होंने। देखिए, लोगों को अध्ययन करना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए, एक एक पैरा का अर्थ भावार्थ ठीक ढंग से पढ़ना चाहिए, निकालना चाहिए। मैं प्रभु से ही कहूँगा कि उनको सद्बुद्धि है लोगों को। और देखिए, मेरा जो काम है गरीबों की सेवा करना, गरीबों के कल्याण करना। यदि सत्ता में हम आए हैं तो पक्का मकान, यानी आदरणीय मोदी जी जो नौजवान 14 में रहा होगा, आज 8 साल हो गए, जिसकी उम्र 13 साल रही होगी, 14 साल रही होगी, या 10 साल रहा होगा 14 में, जिसकी उम्र 18 साल का होगा, अब उस नौजवान को समझाने की, वो नौजवान से आप पूछेंगे कि आतंकवादी घटना देखा है क्या? लगातार गिरफ्तारी, सपा बसपा शासन में और कांग्रेस शासन में आतंकवाद के बम कब फटते थे? रोज फटते थे, काशी में, अयोध्या में, लखनऊ में, कश्मीर में। ये परिवर्तन आया, सोच बदली है। 18 साल के बच्चे को ये नहीं मालूम होगा कितनी अच्छी सड़कें थी पहले 14 के पहले। तो लोगों ने विश्वास, लोगों का बढ़ा है मोदी योगी जी के प्रति। और न्यू भारत हमारा विश्व में नंबर 1 हो रहा है, उनकी पार्टी राज्य भी हमारा 1 हो। देखिए, कोई दल नहीं है ऐसा, ये लोग जातिवाद, क्षेत्रवाद, भ्रष्टाचार की राजनीति करने वाले कोई दल नहीं है। सपा में है इस समय तपस्वी, देखिए त्यागी तपस्वी लोग राजनीति क्षेत्र में जाते हैं तो तब करिए, त्याग करिए, तपस्या करिए गरीब के कल्याण के लिए। आदरणीय मोदी जी से सीखना चाहिए कि कैसे स्वच्छता कर्मी का पैर मंत्री, लोगों को सीखना चाहिए कि कैसे काशी विश्वनाथ में लगे मजदूरों के साथ बैठकर भोजन करें। यदि गरीब का सम्मान नहीं होगा, नर सेवा नारायण सेवा, फिर गरीबों को पक्का मकान नहीं देंगे, करोड़पति नहीं बनाएंगे, लखपति नहीं बनाएंगे। आज 3 करोड़ के ऊपर लोगों को लखपति बना दिया मोदी। शुरू से ही छात्र राजनीति से लेकर आज भी समाज के सभी वर्गों को, यानी जातिवाद के ऊपर सोचते हैं और सभी के बारे में चिंता करते हैं, सभी को लोगों के लिए संघर्ष करते हैं। इसलिए इधर के मतदाताओं ने, जो बुंदेलखंड स्नातक प्रयाग है तक, लोगों ने मन बनाया है कि बाबूलाल जी को जीत दर्ज करवाना है। और दूसरी बात, वो हम लोगों की चिंता करेंगे, संघर्ष करेंगे। और सभी अध्यापकों का बीजेपी भी चिंता करेगी और इस जीत से मोदी योगी जी का भी सम्मान बढ़ेगा। इसलिए मतदाता मन बना लिए, आपके सामने आप देखिए ऐसा आया कि 3000 मतदाता हैं, 25 के ऊपर बीजेपी के पक्ष में मतदान जाएगा। और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी तैयारी लोगों की है।
पंथी जी, बात अगर सम्मान की हो रही तो लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान सामने आ रहे हैं। आज उन्होंने कहा है कि अब सभी योद्धा मारे जा चुके, अब उनके सपनों को साकार करना तुम्हारा दायित्व। माँ ने बहुत समझाया, अंत में उदय प्रताप जी माने तो महाराणा प्रताप को मानना पड़ा, अनुशासित हो गया कि अब मान्यताएं 7-4 में होंगी और 7-4 में होने के कारण वो शिक्षक पूर्णकालिक शिक्षक होंगे, अंशकालिक शिक्षक नहीं रहेंगे और उसके बाद उनका यदि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।